प्रेस सब्सक्राइब बटन फॉर लेटेस्ट वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मैं पनाह मांगू हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूत से। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम गैल जो रहमान और रहीम से। हमने तुम सारे एक ही लोग लुगाई से पैदा करे सो जहाँ से अक थम एक दूजे ने पहचान सको थारे कितने कुनबे और कबीले बना दिए से। अल्लाह के दूर है आदर राड़ा वाइस है जो घना डरनिया से। यकीन जानो अल्लाह स्याणा और जाननिया से। नात के चंद अशार भाइयों की खिदमत में हाजिर हैं। ए मेरे आका 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 आका, ए मेरे आका आका आका, तेरी ऊंची शान नबी जी, 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 मैं तेरे कुर्बान नबी जी, मैं तेरे कुर्बान नबी जी, मैं तेरे कुर्बान नबी जी, है मेरे आका 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 आका, है मेरे आका आका आका। थारी शान दिखाण के कारण, 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 रब ने बसाए जहान नबी जी,
रब ने बसाए जहान नबी जी, ए मेरे आका 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 आका, ए मेरे आका आका आका। भाइयों, आज की ये शेर नशिस्त आपके सामने जो पेश करी जा रही है, इनकी सदारत फरमा रहे हैं इंडिया से जनाब श्री मंगत राम शास्त्री खड़तल जी। इनकी सदारत में आज की शेर नशिस्त अपनी रास्ता पे अपनी राह पे गामजन है, और स्टेज सेक्रेटरी उनका नाता है। सबसे पहला मैं अपना कलाम भाइयों की खिदमत में पेश करूं हूं। भाइयों से गुजारिश है कि तवज्जो से सुनोगे। हरियाणवी मुशायरा में दनोट से साजिद शाह भैया की खिदमत में हाजिर है और अपनी रचना पेश कर रहा है कि जब मैं लाड में बोली कह दूं जल्ला ठाया करे नी, जे मैं लाड में बोली कह दूं जल्ला ठाया कर दे नी, छोटी छोटी बातां नैनू जी पे लाया कर दे नी, जे लाड में बोली कह दूं जल्ला ठाया कर दे नी, छोटी छोटी बातां नैनू जी पे लाया कर दे नी, पंछी बोलिया बुढ़ के आऊं तै मन्ने कित पावेगा, पंछी बोलिया बुढ़ के आऊं तै मन्ने कित पावेगा, मैं न्यू बोलिया मैं तो रुख सूं रुख तो जाया कर दे नी, पंछी बोलिया बुढ़ के आऊं तै मन्ने कित पावेगा, मैं न्यू बोलिया मैं तो रुख सूं रुख तो जाया कर दे नी, और किसे का सपना सहवा तेरी नींद में क्यों आ जाए, और किसे का सपना सहवा तेरी नींद में क्यों आ जाए, यार राया सुरमा अपनी आंख में लाया कर देनी, और किसे का सपना सहवा तेरी नींद में क्यों आ जाए, यार पराया सुरमा अपनी आंख में लाया कर देनी, रुसन की जो बात नहीं सह फिर भी रुसे रुसे जा, रुसन की यो बात नहीं सह फिर भी रुसे रुसे जा, बीच सड़क कोई रास्ता पूछे आंख दिखाया कर दी, रुसन की यो बात नहीं सह फिर भी रुसे रुसे जा, बीच सड़क कोई रास्ता पूछे आंख दिखाया कर देनी, जीवन कट गया बात मड़ी सी तेरे समझ थे ऊपर है, भाई जीवन कट गया बात मड़ी सी तेरे समझ थे ऊपर से, जे कोई हंस के बोल पड़े तो यार बनाया कर देनी, जीवन कट गया बात मड़ी सी तेरी समझ थे ऊपर से, जे कोई हंस के बोल पड़े तो यार बनाया कर देनी, दुनिया देख के शाम रह के बात समझ में आई से, भाई दुनिया देख के शाम रह के बात समझ में आई से, जो से माल कमा देनी वे नाम कमाया कर देनी, दुनिया देख के शाम रह के बात समझ में आई से, जो से माल कमानी वे नाम कमाया कर देनी, रुसन की यो बात नहीं से फिर भी रुसे रुसे जा, बीच सड़क पे रास्ता पूछे आंख दिखाया कर देनी। भाइयो, शेरी सिलसिला ने थोड़ा आगे बढ़ावा। आज के जो हमारे अगले कवि है, अगले शायर हैं, दोहा कतर से इनका ताल्लुक है, नए लिखने वाले हैं, लेकिन कमाल के अशार और अशार में जो पुख्तगी है, उन पुख्तगी से किसी जगह यूँ नहीं लगता कि नए लिखने वाले हैं। हमारे खूबसूरत शायर, बड़े सोने शायर भाई राणा अनवर फ्रॉम दोहा कतर से मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपना कलाम भाइयों के सामने पेश करो। जनाब राणा अनवर दोहा कतर से। हरियाणवी मुशायरा में बैठे हुए सारे भाइयों ने दुआ कतर से राणा अनवर अली का सलाम, साहिब सदर की इजाज़त से आज के इस हरियाणवी मुशायरा में रचना हाजिर है। तेरे गैल बिताए दिन, तेरे गैल बिताए दिन, फिर नी बोर्ड का आए दिन, तेरे गैल बिताए दिन, फिर नी बोर्ड का आए दिन, बिन साजन के नहीं कट दे, बिन साजन के नहीं कट दे,
परदेसा में आए दिन बिन साजन के नहीं कट दे परदेसा में आए दिन जोबन रुत के हरे भरे जोबन रुत के हरे भरे मेरे हाथ न आए दिन जोबन रुत के हरे भरे मेरा हाथ न आए दिन और कुछ तो अपना मन डाटिया कुछ तो अपना मन डाटिया कुछ मन ने समझाए दिन कुछ तो अपना मन डाटिया कुछ मन ने समझाए दिन मेरे दुख के बांडे थे मेरे दुख के बांडे थे आप फिरे घबराए दिन मेरे दुख के बांडे थे आप फिरे घबराए दिन और बैरी सहयो चांद मेरा बैरी सहयो चांद मेरा दुख दे जैसे आए दिन बैरी सहयो चांद मेरा दुख दे जैसे आए दिन आज तो उसकी ढाल गणे आज तो उसकी ढाल गणे अनवर से बतलाए दिन आज तो उसकी ढाल गणे अनवर से बतलाए दिन अर बैरी सहयो चांद मेरा दुख दे जैसे आए दिन तेरे गेल बिताए दिन फिर नहीं बोड़ गाए दिन। मन लगे नादर फहमी जो है वो गायब है तो इस सिलसिला ना आगे बढ़ावा आप अगर वो दोबारा आवेंगे तो उनका उनकी रचना फिर देख ली जाएगी उस्ताद साहब जिस तरह हुक्म करेंगे उस तरह कर लांगे। तो आज के इस शेरिन शिस्त की वाहिद और तीसरी शायरा शानी राजपूत से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना कलाम भाइयों के सामने पेश करो। शानी राजपूत हरियाणवी रचना फार्म में बैठे सारे भाइयों ने शानी राजपूत का सलाम परिणाम क्या हाल है भाइयों सब ठीक ठाक हो आज मैं आप सब के सामने हमदे बारी ताला पेश करूंगी। तेरी शान न्यारी मोला सुन ले बिनती मारी मोला तेरी शान न्यारी मोला सुन ले बिनती मारी मोला तैसे सबका वाली वारस तैसे सबका वाली वारस कैरी खलकत सारी मोला तैसे सबका वाली वारस कैरी खलकत सारी मोला खड़े सा आडे तेरे अगे खड़े सा आडे तेरे अगे बरदे बरदे जोली मारी मोला खड़े सा आडे तेरे अगे बरदे जोली मारी मोला पंख पखेरू तितली कलियां पंख पखेरू तितली कलियां माला जपदी जारी मोला पंख पखेरू तितली कलियां माला जपदी जारी मोला तेरे ओजा कहते ओजे तेरे ओजा कहते ओजे सुख मांगे दुखियारी मोला सुख मांगे दुखियारी मोला करतूता पे पर्दे घेरे करतूता पे पर्दे घेरे तेरी जात बचारी मोला करतूता पे पर्दे घेरे तेरी जात बचारी मोला मन में तेरा इश्क सजागे मन में तेरा इश्क सजागे मैं तेरे पे वारी मोला मन में तेरा इश्क सजागे मन में तेरा इश्क सजागे मैं तेरे पे वारी मोला
शानी माफ़ी अशर की मंग है, शानी माफ़ी अशर की मंग है, बावें पाप से बारी मोला, बावें पाप से बारी मोला, शानी माफ़ी अशर की मंग है, बावें पाप से बारी मोला, बावें पाप से बारी मोला, तेरी शान न्यारी मोला, तेरी शान न्यारी मोला, सुन ले बिनती मारी मोला, सुन ले बिनती मारी मोला, सुन ले बिनती मारी मोला। भाइयों, आज की इस नशिस्त के अगले शायर, अगले कवि खूबसूरत करनाली ले जाके खूबसूरत अशार कहने वाले मडाड राजपूत प्यारा भाई राना मोइन अख्तर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना कलाम भाइयों के सामने अता करो। भाई राना मोइन अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, हरियाणवी मुशायरे में बैठे सारे भाइयों ने मोइन अख्तर का सलाम। एक रानी रचना भाइयों की पेश खिदमत है। दुख रोवैस है खुंची बरक है, बिरहा जठा सतावैस है। दुख रोवैस है खुंची बरक है, बिरहा जठा सतावैस है। याद तेरी भी गा के ऊपर पट्टी बांधना आवैस है। मन की चाणा बाट की सूली ऊपर लटकी रह जैसे, मन की चाणा बाट की सूली ऊपर लटकी रह जैसे, कलमुई बिरहा की रहना मन का खून जला वैसे। रोग इश्क का दम दारू तवीजा गेले जानदा नहीं, रोग इश्क का दम दारू तवीजा गेले जानदा नहीं, इश्क था अपना आप बचा ले जो समझा बतला वैसे। कोई तो समझावा इसने जिसना पीतम छोड़े से, क्यों कर अपना जीवन काटे क्यों कर मन समझावे से। शायद परोना रह गया अख्तर कुछ दिन का मैं जगती में, शायद परोना रह गया अख्तर कुछ दिन का मैं जगती में, तारे मन देख करो पूर्ण छाती लावे से। में भैया के सामने जिस शायर ने, जिस दोस्त ने, जिस भाई ने, जिस फनकार ने, जिस खूबसूरत शायर ने दावत दे रहा हूँ, आपका ताल्लुक बेसिकली बावल नगर और आजकल मुलाजमत आपकी है इस्लामाबाद, और जितने खूबसूरत ये शायर हैं उतने ही खूबसूरत इखलाक के मालिक, उतने ही प्यारे भाई हैं। आपका सामने मैं गुजारिश करूँगा भाई फरमान ठाकर राव ने और फ़नी ठक्कर ने कि आप अपना कलाम भाइयों के सामने पेश करो। भाई फ़नी ठक्कर जी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, वेलकम तमाम हरियाणा मुशायरा में शामिल दोस्ताना। मैं आज थरवस्त एक रचना लेकर आया हूँ, उर्दू हरियाणवी रचना है, तो पेश खिदमत है मुलाजा हो। दो दिल बाता कर रहे थे कि गात ने छू गया गात, दो दिल बाता कर रहे थे कि गात ने छू गया गात, प्यार मोहब्बत इश्क में हुए बेकाबू जज्बात। दो दिल बाता कर रहे थे कि गात ने छू गया गात, प्यार मोहब्बत इश्क में हुए बेकाबू जज्बात। रोकण की हिम्मत को नहीं थी मेर में ना है उसमें, रोकण की हिम्मत को नहीं थी मेर में ना है उसमें, आँखियाँ नए आँखियाँ के गिले कर ली थी हर बात, उसके कप कपी चढ़ रही थी अर मैं भी कांपता था, उसके कप की चढ़ रही थी अर मैं भी कांपता था। इबलग दिलियो भूल नहीं पाया जाड़ा की वारात, दो दिल बाता कर रहे थे के गात ने छू गया गात, सासा की माचिस ते उसने गात की मोम जलाई, सासा की माचिस ते उसने गात की मोम जलाई, देरा नहीं कद पकन लगी प्यार के गुड़ की पात,
दिल की वाता कर रहे थे हम, गात में छू गया गात। और कद अंगारे कोले होए बेरा नहीं कुछ पाटा, कद अंगारे कोले होए बेरा नहीं कुछ पाटा, इतना सा बस याद पड़े से प्यार की थी बरसात। दो दिल वाता कर रहे थे के गात में छू गया गात। हम बरसे या बादल बरसा या तो अल्लाह ही जाने, हम बरसे या बादल बरसा या तो अल्लाह ही जाने, हम तो राख बने बैठे थे पकड़े हाथ में हाथ। दो दिल बातें कर रहे थे कि गात में छू गया गात। और चणचक चाली आंधी ऐसी लेगी राख उड़ा के, चणचक चाली आंधी ऐसी लेगी राख उड़ा के, खूब बखेरी नगरी नगरी उसने मारी जात। दो दिल बातें कर रहे थे कि गात ने छू गया गात। प्यार मोहब्बत इश्क में हुए बेकाबू जज्बात। और दोस्तों उसकी राख ने परदेसा में जाके फूल खिलाए, उसकी राख ने परदेसा में जाके फूल खिलाए, मेरी राख तो बन के रहेगी दर्द भरी सौगात। दो दिल बातें कर रहे थे कि गात ने छू गया गात। और शीशे बरगा गात था उसका बाल थे रेशम बरगे, शीशे बरगा गात था उसका बाल थे रेशम बरगे, हुस्न की देवी थी वह ऐसी परियां खावे मात। दो दिल बातें कर रहे थे कि गात ने छू गया गात। और काना में रस गोले थी वा जद भी बात करे थी, काना में रस गोले थी वा जद भी बात करे थी, और न्यू लगे था कैंदी हो जनो सुर सरगम के साथ। दो दिल बातें कर रहे थे कि गात ने छू गया गात। और जेवा होंदी तेरी ठाकर कदे मिलन तो आंदी, जेवा होंदी तेरी ठाकर कदे मिलन तो आंदी, छोड़ जिकर उस हर जाई का कुछ नहीं आना हाथ। प्यार मोहब्बत इश्क में हुए बेकाबू जज्बात। दो दिल बातें कर रहे थे के गात ने छू गया गात। तो आज की इस उर्दू हरियाणवी रचना के साथ इजाजत चाहूंगा। थारा अपना भाई राव फरमान ठाकर। दुआओं में याद रखो माँ बोली जिंदाबाद। और भाइयों ई में जिस शायर ने दावत दूंगा, बेसिकली तो ताल्लुक डावरा जिला लोधरा से है, लेकिन इनकी शायरी जिस जिस जगह हरियाणवी बोली सुनी समझी जावे, इनकी शायरी जो है उस जगह पहुँच रही है और माँ बोली पर अपना पूरा काम कर रही है। और आप दोस्तों का सामने मैं यो भी बता दूं कि हमारा ये वाहिद शायर है जिसने अपनी पढ़ाई अपनी माँ बोली की मोहब्बत की तरफ मोड़ दी। और एम फिल में अपने एक मकाला लिखा है कि उर्दू दोहे का हरियाणवी ज़ुबान से लसानी इश्तराक, और बड़ा खूबसूरत डिफेंड करा है और बड़ा खूबसूरत जो है कामयाबियाँ से हमकिनार कराया अल्लाह ताला ने भाई साबिर अली साबिर से। और हमारा ये वो शायर है जिसकी शायरी हरियाणा हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर अखबार में छपी है, इनके इंटरव्यू छपे हैं। तो ये देखो कि माँ बोली ने एक भाई कित तक पहुँचा दिया। ये है माँ बोली से मोहब्बत का समर, ये है माँ बोली से मोहब्बत का नतीजा। दोस्तों के सामने मैं गुजारिश करूँगा डावरा ज़िला लोधरा से खूबसूरत शायर भाई साबिर अली साबिर अपना कलाम अता करेंगे। भाई साबिर अली साबिर। हरियाणवी शोरा कलाम की खिदमत में साबिर अली साबिर का सलाम। भाइयों आज की रचना भाइयों की खिदमत में हाजिर से के खा के धोखा परदेसी के लारे पे है। अरे भाई खा के धोखा परदेसी के लारे पे, खा के धोखा परदेसी के लारे पे, जुबन फूक्या दर के हिजर अंगारे पे,
खाके धोखा परदेसी के लारे पे, जोबन फूक्या धर के हिजर अंगारे पे, और बादल से तो सोच तिसाई धरती की, बादल से तो सोच तिसाई धरती की, बादल से तो सोच तिसाई धरती की, एक के डाल बरस जा अड़के बारे पे, बादल से तो सोच तिसाई धरती की, एक के डाल बरस जा अड़के बारे पे, और बेरा नी यो अधी रात का चांद खड़ा, बेरा नी यो अधी रात का चांद खड़ा, केटो ऐसे इस दुखिया के डारे पे, बेरा नी यो अधी रात का चांद खड़ा, केटो वैसे इस दुखिया के डारे पे, और मन्ने के कुछ खोया सहते ना सोचे, मन्ने के कुछ खोया सहते ना सोचे, अरे मन्ने के कुछ खोया सहते ना सोचे, तेरी बेड़ी ल्या छोड़ी कंठारे पे, मन्ने के कुछ खोया सहते ना सोचे, तेरी बेड़ी ल्या छोड़ी कंठारे पे, और शायर से तो मानस ताने गेले राख, शायर से तो मानस ताने गेले राख, चोड़ा हो रहा जात धर्म के नारे पे, अरे शायर से तो मानस ताने गेले राख, चोड़ा हो रहा जात धर्म के नारे पे, रचना गीत कविता लिखा कर साबिर, रचना गीत कविता लिखा कर साबिर, और कि मैं तो हो नहीं सकता मारे पे, रचना गीत कविता लिखा कर साबिर, और कि मैं तो हो नहीं सकता मारे पे, खाके धोखा परदेसी के लारे पे, जोबन फूक्या धर के हिजर अंगारे पे। और भाइयों, ईब जिस शायर ने मैं आपके सामने दावत दूंगा, आपका ताल्लुक जंबर कला लाहौर से, नहायत खूबसूरत लहजा के उस्ताद शायर, आपका कलाम, आपकी शायरी और आपका जो तखय्युल है वो बिला शुबा हमारा वास्ते भी एक मशल राह है, हम सीखा आपसे। भाई वकील अंजुम की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप अपना कलाम भाइयों के सामने पेश करो। भाई वकील अंजुम हरियाणवी रचनापुरम सारे भाइयों ना राणा वकील अंजुम गनी दा सलाम प्रणाम नमस्कार। एक हरियाणवी रचना सारे भाइयों की नज़र। रूप स्वरूप के लाड में इतना पागल होना अच्छा नहीं, रूप स्वरूप के लाड में इतना पागल होना अच्छा नहीं, सांस सांस के बीच किसी का नाम परोना अच्छा नहीं, सांस सांस के बीच किसी का नाम परोना अच्छा नहीं, देख मड़े से आण का चस्का उमरा इणी कर दे स, देख मड़े से आण का चस्का उमरा इणी कर दे स, अपने सिर पे सारे जक्की कलिया डोना अच्छा नहीं, अपने सिर पे सारे जक्की कलिया डोना अच्छा नहीं, मर्दा ने शोभा नहीं देंदा एज में नारी जाती के, मर्दा ने शोभा नहीं देंदा एज में नारी जाती के, रात के पिछले पैर में ऊंची आवाज तरोना अच्छा नहीं, रात के पिछले पैर में ऊंची आवाज तरोना अच्छा नहीं, कदे कदार जे आपस के मैं अच्छी माड़ी हो जे स, कदे कदार जे आपस के मैं अच्छी माड़ी हो जे स, ओपर यहाँ के बीच में जाके यार भगोना अच्छा नहीं, ओपर यहाँ के बीच में जाके यार भगोना अच्छा नहीं, करतूतां की बात से क्या ना बैकी बैकी बात करे, करतूतां की बात से क्या ना बैकी बैकी बात करे, लंबा मानस अच्छा हो सै कद का बोना अच्छा नहीं, लंबा मानस अच्छा हो सै कद का बोना अच्छा नहीं, यान पता के याड़ी अंजुम सीरी साम दुख सुख के, यान पता के याड़ी अंजुम सीरी साम दुख सुख के, चाण आले थे अपने मन का दर्द लकोना अच्छा नहीं, चाण आले थे अपने मन का दर्द लकोना अच्छा नहीं। बहुत शुक्रिया जी सर भैया का। भाई जिस शायर से जिस भाई से मैं दावत दूंगा कलाम सुनाने वास्ते,
उनका ताल्लुक डामरा ज़िला लोधरा से है, आजकल डीजी खा है और डिस्ट्रिक्ट लोधरा की पहचान है, डिस्ट्रिक्ट लोधरा पर कमान है। ये डिस्ट्रिक्ट लोधरा में उर्दू अदब, हरियाणवी अदब, तनकीदी अदब, इनमें एक बड़ा नाम, एक अहम नाम भाई अहमद सजाद बाबर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि भाइयों के सामने अपना कलाम अता करें। जनाब भाई अहमद सजाद बाबर साहब। डामरा ज़िला लोधरा से अहमद सजाद बाबर अपनी ताज़ा तरीन रचना के साथ हाजिर है। अर्ज करे है, दीवा रज का ठाडा था आंधिया से पूछ ले, दीवा रज का ठाडा था आंधिया से पूछ ले, रास्ता दिखावे था रास्ते से पूछ ले, दीवार रज के ठाडा था आंधियां से पूछ ले, रास्ता दिखावे था रास्ते से पूछ ले, तन्ने उस पे मेर थी के होया जो टूट गई, तन्ने उस पे मेर थी के होया जो टूट गई, डा दुखा में जीण का बालकां से पूछ ले, डा दुखा में जीण का बालकां से पूछ ले, रात दिन जो रोवे था लाख के चुखाट गेल, रात दिन जो रोवे था लाख के चुखाट गेल, फड़ना उसने जानिए देलियां से पूछ ले, फड़ना उसने जानिए देलियां से पूछ ले, पैरा की मैं धूल सूं धूल गेले चल ऐसे, पैरा की मैं धूल सूं धूल गेले चल ऐसे, जे यकीन आवे ना काफलियां से पूछ ले, जे यकीन आवे ना काफलियां से पूछ ले, नून गुलदे देख्या से, नून गुलदे देख्या से, यार तने पानी में न्यूए खुरदा रहूं सूं बारिशां से पूछ ले, न्यूए खुरदा रहूं सूं बारिशां से पूछ ले, कुंडा अल्या बाल से बाजदा वावे था, कुंडा अल्या बाल से बाजदा वावे था, बाट की यो कहानी ते बारने से पूछ ले, बाट की यो कहानी ते बारने से पूछ ले, शहर जाके बोर्ड के कौन कौन आवेगा, शहर जाके बोड़ के कौन कौन आवेगा, मैं तो बाबर आऊँगा बाकियां से पूछ ले, मैं तो बाबर आऊँगा बाकियां से पूछ ले, दीवार रज का ठाडा था आंधियां से पूछ ले, रास्ता दिखावे था रास्ते से पूछ ले। भाइयों, ईबाप के सामने इस शेरिन शिस्त के साहिब सदर इंडिया से ताल्लुक़ है, उस्ताद शायर हैं श्री मंगत राम शास्त्री खड़तल जी की खिदमत में गुजारिश है कि भाइयों के सामने अपना कलाम अता करें। श्री मंगत राम शास्त्री खड़तल जी। हरियाणवी मुशायरे में बैठे तमाम भाइयों को मंगत राम शास्त्री जींद हरियाणा इंडिया की तरफ से नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, एक रचना आपके सामने पेश है, सुनिए। दाल रोटी की कमी से और सब राजी खुशी, ढूंढ में पसरी गमी से और सब राजी खुशी, दाल रोटी की कमी से और सब राजी खुशी, ढूंढ में पसरी गमी से और सब राजी खुशी, नींब तो गारा में चिंदी छैत लेंटर की देई, बस दीवारा में नमी से और सब राजी खुश, ना गुजारा ना कमाई रोजगारी के बिना, ना गुजारा ना कमाई रोजगारी के बिना, जिंदगी जाबक थमी से और सब राजी खुशी, जो कदे पूछे पड़ोसी के कमावे छोकरा, जो कदे पूछे पड़ोसी के कमावे छोकरा, लाडला खिल रमी से और सब राजी खुशी, खूड तो गहने धरे से बैंक ने कुड़की करी,
खूड तो गहने धरे से बैंक ने कुड़की करी नास होना लाजमी से और सब राजी खुशी। गात में गर्मी बतेरी क्रोध नी आंदा मगर, गात में गर्मी बतेरी क्रोध नी आंदा मगर, बर्फ या दिल में जमी से और सब राजी खुशी, बर्फ या दिल में जमी से और सब राजी खुशी। देश का माहौल खड़तल बहुत गंदा हो लिया, देश का माहौल खड़तल बहुत गंदा हो लिया, आजकल बस हम हमी से और सब राजी खुशी, दाल रोटी की कमी से और सब राजी खुशी, ढूंढ में पसरी गमी से और सब राजी खुशी। शुक्रिया दोस्तों। आज के मुशायरे में सभी साथियों ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपना कलाम पेश करे हैं, बहुत सुंदर मज़ेदार रचनाएं पेश करी हैं। मैं अपनी तरफ से सबको अपने दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। साजिद शाम जो सेक्रेटरी थे, सबसे पहला कलाम उन्होंने बहुत ही व्यवहारिक बातें कही अपने कलाम में, अपनी रचना में, जो रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली कि दुनिया देख के श्याम रहे एक के बात समझ में आई से, जुण से माल कमाया करें वे नाम कमाया कर देनी, बहुत बढ़िया रचना थी। उसके बाद दोहा कतर से राणा अनवर अली ने छोटी बैर की बड़ी सुंदर गज़ल पढ़ी, अग तेरे गैल बिताए दिन फिर नहीं बोड़ का आए दिन, बिल्कुल अच्छी विरह बिछोड़े से रची बसी रचना थी। फिर आई शानी राजपूत, अल्लाह की शान में बहुत बढ़िया रचना पढ़ी कि तेरी शान नियारी मोला सुन ले बिनती मारी मोला। राणा मोइन अख्तर ने विरह की तड़प, विरह का दर्द, बिछोड़े का दर्द अपनी रचना में कुछ इस प्रकार से संजोया कि दुख रोवे से कुंची भरके विरह जठे सतावे से, याद तेरी भी गा के ऊपर पट्टी बांधन आवे से, बहुत बढ़िया मज़ेदार रचना थी। और राव फरमान ठाकुर के क्या कहने, प्यार मोहब्बत से भरी पूरी सजी हुई रचना, बड़ा सुंदर नज़ारा पेश करती हुई रचना, अके दो दिल बात करें थे कि गात ने छू गया गात, और प्यार मोहब्बत इश्क में होए बेकाबू जज्बात, बहुत बढ़िया प्यारी रचना पढ़ी। उसकी राख ने फूल खिलाए परदेशा में जाके मेरी दर्दा की सौगात, क्या कहने साबिर अली साबिर, बहुत ही ऊंचे पाए के कवि रचनाकार हैं, बड़ी ऊंची शायरी पेश करी है साबिर ने के खा के धोखा परदेसा के परदेसी के लारे पे जो बन फूक्या दर के हिजर अंगारे पे, बड़े गजब के बिंब प्रतीक प्रस्तुत करे हैं साबिर अली साबिर ने। अक शायर से तो मानसता ने गिल राख मानसता, बहुत गजब का शब्द प्रयोग कराया है, शायर से तो मानसता ने गल राख चौड़ा हो रहा जात धर्म के नारे पर, रचना गीत कविता लिख्या कर साबिर और किमें तो हो नहीं सकता मारे पर, क्या कहने। फिर अपने वकील अंजुम राणा बड़े कवि हैं, गजब का काफिया अरदीफ प्रस्तुत करते हैं के रूप स्वरूप के लाड में इतना पागल होना अच्छा नहीं, सांस सांस के बीच किसी का नाम परोना अच्छा नहीं। और एक शेर देखिए उनका, अक यानपता के याड़ी मंजुम, यानपता के याड़ी अंजुम, सीरी साम दुख सुख के चाण आले ते अपने मन का दर्द लुकोना अच्छा नहीं। और फिर आए डामरा लोधरा से अहमद सजाद बाबर, बड़े बाप के बड़े पुत्र, दीवा रज के ठाडा था आंधियां तय पूछ ले, रास्ता दिखावे था रास्ता तय पूछ ले, दीवा रज के ठाडा था आंधियां तय पूछ ले, रास्ता दिखावे था रास्ता तय पूछ ले, पैरां की धूल सू धूल गेले चाले से, जय यकीन आवे ना काफिला तय पूछ ले, शहर जाके बोड़ के कौन कौन आवेगा, मैं तो बाबर आऊँगा बाकियां तय पूछ ले, एक ते एक आला कलाम पेश करे सारे साथियों ने, किसने सराऊँ किसने बिसराऊँ, भाई सब मेरे लिए तो
बड़े गर्व करने की बात है, फख्र करने की बात है कि ऐसे ऐसे रचनाकारों की सदारत करने का मैंने मौका मिला। यो हमारा काफिला और आगे बढ़ता रहे, सफलता ने प्राप्त करे, उन्नति तरक्की करे, इस उम्मीद के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ राणा नौशाद कासिर साहब को और तमाम शोरा कराम को जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपना मेज़बान साजिद शाम ने इजाज़त दोगे और अगली नशिस्त अगला मुशायरा इंशाल्लाह 1 अक्टूबर ने लेके भाइयों की खिदमत में हाजिर होवांगे। उस टाइम तक इजाज़त भाई, अल्लाह हाफिज, वस्सलाम। देखने वाला का शुक्रिया, वीडियो ने लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब करना ना भूलियो।